हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम आपको लिए एक नई ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप अपने टैब को नॉर्मल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने टैब को ऑफ करके ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे आई बटन पर क्लिक करना, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना, वाईफाई के ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोड और रूटीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको परमिशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर नीचे यहाँ पे आपको फोटो वीडियो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सियोर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, शो सिस्टम पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करके जाना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा वन यूआई होम, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर सियोर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऊपर यूआई होम पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे यूआई होम पे फिर रिसर्च पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टूडेंट कियोस्क, तो स्टूडेंट कियोस्क यहाँ पे सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे आ चुका है, इस पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको होम स्क्रीन लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो होम स्क्रीन पे हम क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको वन यूआई होम लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह से नीचे स्क्रॉल करना है जल्दी से, और इस तरह से आ जाएगा आपका। जैसे हम फिर इसको आपको क्या करना है, इस तरह से ऐप यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आप कोई सी ऐप के क्लिक करोगे तो कोई भी नहीं चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यह कैसे चलेगी यह भी आपको बताऊंगा। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और ऊपर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट वाला, तो इस पर क्लिक करना, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर वाईफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना, साइड की के जो बटन आपको दिख रहा हो ऊपर जिस साइड हम दबा देंगे इससे साइड की ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अबाउट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, फिर आई बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट का यहाँ पे परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो हम कॉन्टैक्ट ऑप्शन क्लिक करना है, फिर सियोल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे वन यूआई लिखा होगा, इस पे क्लिक करना, सियोल पे क्लिक करना है, फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वन यूआई होम पे दोबर क्लिक करना, वन यूआई होम पे फिर सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख देना स्टूडेंट कियोस्क, वही बटन आपको दबाना, फिर से क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे होम स्क्रीन लिखा मिलेगी, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों वन यूआई होम पे आपको जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। तो वन यूआई होम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है, देखो इस तरह से, और आपको दबाए रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। फिर से आपको इस तरह नीचे लग के आना है इस तरह से, और फिर आपको इस तरह से ओपन एक बार होकर रह जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बैक करना है और यहाँ पे कट करने है, यहाँ पे आपको फिर से सर्च करना पड़ेगा ऐप्स। सर्च करने के बाद यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे नीचे लिखा मिलेगा बैटरी पे क्लिक करना है आपको, बैटरी वाले ऑप्शन, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ डीप स्लीपिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट के उस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐप यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट के उस पर क्लिक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद जैसे ये ऐप यहाँ पे शो हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई भी ऐप आप चलाओगे तो वो चलने लग जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये ऐप देख लो, यहाँ पे ये क्लिक कर लो, ये भी चलने लग जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई सी भी ऐप पे क्लिक करोगे तो वो चलने लग जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।